यहाँ देखिए मूली के खेत में आ गए हैं और चटनी के लिए मूली देंगे यहाँ से। यहाँ देखिए मूली खूब हरा भरा हुआ पड़ा है, तो कोई भी हमें एक दो मूली चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चटनी आप चाहें तो ज़्यादा का ही बना सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कितना मोटा मोटा मूली हुआ पड़ा है। एक ही में चटनी बहुत हो जाएगा, रख देते हैं। तो ये मूली और मूली नहीं है, इसको हम लोग नेवार मूली बोलते हैं। मतलब इसका फायदा जानिएगा आप, बहुत मोटा होगा, बहुत लंबा भी होगा और खाने में बहुत मीठा होगा। आप छोटा छोटा मूली देते होंगे इतना बड़ा बड़ा और खाएंगे तो तीखा लगेगा, लेकिन ये मूली बिल्कुल मीठा लगता है। तो चलिए आप चलते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए ये आलू किस तरह से हुआ पड़ा है, एकदम बढ़िया अभी। और अभी मैं थोड़ा दिन पहले आलू का साग बनाया था, उसे भी देख लीजिएगा, बहुत टेस्टी साग बनता है। और ये जो मूली उखाड़े हैं ना, हमारी चाची देखिए सो रही है, ये चाची का हमारा खेत है। तो लेकिन एक दो मूली देते हैं तो बोलती नहीं है कोई भी, यहाँ पर कोई भी नहीं बोलता एक दो मूली के लिए। चाची का बंटवारा है, चाची हमारी चाची बोल रही है कि चाची के खेत में बेटा के खेत में क्या फ़र्क है। तो फ़र्क तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब किसी के खेत में जाके आप तोड़ नहीं सकते हैं। वैसे हम लोग कोई मना नहीं करता, चाची हो, भाभी हो, और भी लोग हैं। तो जैसे कि आपको कोई एक मूली की ज़रूरत है या एक तोरी की ज़रूरत है, तो आपको कोई बोल दिया कि आप तोड़ दो, तो इसका मतलब नहीं कि आप टोकरी 5 किलो तोड़ने लगो तो कोई भी बोल देता है। एक मूली खाना है, एक मूली लीजिए, कोई बात नहीं, समझ गए। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से ही लीजिए, तो कोई नहीं बोलता है। इसमें मिर्ची, लहसुन, प्याज, टमाटर डालना है, वो घर पे है। हरी मिर्च तो है इधर, लेकिन अब तोड़ेंगे नहीं, चलते हैं। देखे अब सीधे आपको बनाते हुए दिखाएंगे। मूली इतना बढ़िया सॉलिड है और मीठा भी है, तो मन तो कर रहा है इसको खाया जाए, लेकिन आज हम चटनी बनाएंगे इसका। आपको जितना का बनाना हो उतना का बनाइएगा, इसका राम लड्डू भी अच्छा बनेगा। हाँ, राम लड्डू का भी आजकल खूब हुआ है। तो दोस्तों अभी जब मूली स्टार्टिंग में हो रहा था ना, तभी मैं राम लड्डू बना दिया था, उसे भी देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर अपलोड है। मूली देखने में इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट मूली है। तो ये देख रहे हैं छिलना कैसे चल रहा है, एकदम स्मूथ। तो आपको जितना का बनाना हो उतना का बनाइएगा, इसी हिसाब से सामान डालिएगा इसमें। तो मूली आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ये मूली इस वैसे ही लगभग आधा किलो से ज़्यादा है, इतना ही का हम बनाएंगे, आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। अब इसको हम काट लेंगे छोटा छोटा पीसों में इस तरह से। तो यहाँ पर 6-7 का लिया लहसुन का लिए हैं, और इसमें डालेंगे 1 गांठ अदरक का। तो यहाँ पे 3-4 मिर्ची दिए हैं, 2 टमाटर और 1 प्याज। इन सबको हम प्याज को छील देंगे, अदरक लहसुन को भी छील देंगे और सबको धो देंगे। ये देखो भाई मेहनती आदमी आ गया, बाल्टी लेके गिराया ना, मेहनती आदमी के बाल्टी उठाते प्याज तो नहीं लग गया कहीं, देखिए चले गए उधर, चले गिलास ढूंढ रहे पापा। अच्छा, प्याज लग गया होगा ज्यादा, बहुत मेहनती आदमी है। अरे पापा कढ़ाई लेकर आ रही है, देखो आपके लिए। इसको टाइलैंड बोलते हैं। जैसा सामान खरीदते हो, ऐसा सामान लो। तो यहाँ किस तरह जैसा साड़ी खरीदोगे, गहना खरीदोगे, वैसे ही ना मिलेगा। गहना के लिए मतलब नहीं बना रही हो। तो भाई अब इस महीने एक बॉन्ड बन गया, एक खूब चमचमाता हार दिला दूंगा। हाँ। पूरा महीना मेरा काम करना है। हाँ। देख लो हमें, अब तो डील पक्की हो गई। पक्की हो गई भाई, कोई भी उसको कहेगा हार, चाहे वो रोज गोल का क्यों नहीं हो, चाहे वो 200 का क्यों ना हो, बाकी कहेगा आदमी कोई भी हार, हार को तो हार ही कहते हैं ना भाई। हाँ भाई, वो किसी चीज का भी हो। बड़ी तेज चल रहे हैं, उतना तो रोज जेब से निकाल लेती हूँ। अच्छा, मैं बोलता हूँ कि बाजार जाता हूँ तो पैसा क्यों घट जाता है, ये बात अब ध्यान देंगे, शाम को गिनती करके रखना। जब बाजार से आऊंगा तो गिनती करो कितना पैसा है। हाँ, तो हिसाब भी दे दीजिएगा, कौन कौन सा सामान लाए हैं, उसी हिसाब में गड़बड़ हो जाएगा। चूल्हा चल गया, ये नया साल बीत गया दोस्तों, गिफ्ट उफ्ट कुछ नहीं दिलाए, मैंने किसी मूड मेरा ऑफ है। कढ़ाई बैठाइए, कढ़ाई बैठाइए,
भाई बैठ गया सारा मूली। मिर्च छोड़ के बाकी सारे चीज को हम इसमें भाप लेंगे बिना पानी के। इसका पानी जलाएंगे ना। इसे हमें चला के सॉफ्ट कर देना है थोड़ा सा, ताकि हमें जब मिक्सी के जार में भी पीसना हो या सिलवटे पीसना हो आराम से पीस जाए। इतना हम सॉफ्ट कर देंगे तो कम से कम 7-8 मिनट लगेगा। इसको भून लेते हैं, इसका पानी भी जला देंगे थोड़ा। मूली अपना पानी छोड़ रहा है, देखो कैसे पानी छोड़ रहा है। मूली मूला है, मूला। तो देख रहे हैं मूली का सारा पानी जल गया है, अब इसको नीचे उतारेंगे हम। मिर्ची को वहीं रख देते हैं, अभी मूली गर्म ही है तो इसको कूट देंगे। आप अगर मिक्सी जार में इसको पीसना चाहते हैं तो थोड़ा ठंडा कर दीजिए, उसके बाद दरदरा पीस दीजिए। इसको दरदरा कूट दिए हैं, अब इसे दरदरा हम पीस देंगे। तो यहाँ देखिए इसको दरदरा पीस दिए हैं, अब इसको उठा देते हैं। कुछ भी कर लीजिए, बनाना तो मुझे ही है। अब बोल रहे हैं कि सरसों का तेल डाल दो। 4 चम्मच जितना सरसों का तेल डाल दिए हैं कढ़ाई में। 3-4 लाल मिर्च लिए हैं, 2 चुटकी सरसों है काला वाला, 2 चुटकी जीरा भी। तेल गर्म है, डाल देंगे तड़का। थनर मनर थनर मनर। एक बार ना एक मेहमान आए, ठीक है, कहानी सुना दो। सुना दो दोस्तों। जिस दिन मैं चटनी बनाऊंगी ना अपना, मुर्गे का स्वाद में कोई नहीं खाएगा चटनी की। क्यों? मुर्गा नहीं खरीद के खा लेगा तो मुर्गा जो नहीं खाता है उसके लिए। अच्छा तो देखिए तड़का दम भुन गया है, लाल हो गया है गुस्से में, छनर मनर हो गया है। अब इधर डालेंगे हम पानी भी डाल रहे हैं। पानी तो सुखाए हैं ये, पानी डालने नहीं देंगे। अब नमक डालना है दोस्तों, स्वाद अनुसार नमक। और इसको धीमे आंच पर पकाएं कि तेज आंच पर? भी तेज आंच पर पकाओ, उसका पानी बिल्कुल जला देना है। अच्छा, कौन बीवी अच्छी है तो खाना बना के दे, वही ना। देखिए तो आप खड़े रह रहे हैं, सब कुछ बन जा रहा है। काम करना पड़ता है, वो कौन करेगा? चूल्हा पे बैठना आसान है, बाहर से काम करके कौन देगा? एक और बीवी रख लीजिए। एक बीवी और रख लूंगा, वो सही रहेगा। खेत से मूली तोड़ के लाओ, सामान तोड़ के लाओ, पाला में जाओ। इतना जल्दी बोल रहे हैं, वो सही रहेगा। एक का तो दिलाई नहीं रहा है कुछ, दूसरी भी नहीं मांगेगी, वो काम चल जाएगा। कौन सा एक मूवी था ना, कोई एक मूवी है, ढक आए करो, पानी सुखाना है तो ढक रही है। कहाँ कहाँ से मिस्त्री सब आ जाते हैं। सुखाना है पानी के, हमें उबालना है तो ऐसे भूनते भूनते ही थोड़ा बहुत है वो पक जाएगा। इसको जितना ज्यादा भूनिएगा ना, उतना ही आपका चटनी बढ़िया बनेगा और ज्यादा दिन तक टिकेगा भी। अगर इस चटनी को आप ज्यादा दिन तक रखना चाहते हैं तो आप इसको ठंडा हो जाने दीजिए और फिर इसमें सिरका डाल दीजिए 2-3 चम्मच, तो ये 15-20 दिन तक चल जाएगा। नहीं तो ऐसे
तीन चार दिन तक आप खा सकते हैं, आठ दिन तक फ्रिज में रख के भी खा सकते हैं। बस इसको काम है बहुत ज्यादा से ज्यादा इसको पीसने के बाद आपको आठ दस मिनट भूनना है। आठ दस मिनट भून लीजिएगा तो पानी में, आपको पता ही है कि मूली में पानी बहुत ज्यादा होता है तो सूखने में टाइम लगता है, तो धीरे धीरे जितना मूली में पानी सूखेगा उतना ही टेस्टी बनेगा और ज्यादा दिन तक चलेगा। अब चटनी को भून लिए हैं, अब इसे निकाल लेते हैं। सातो जन्म तुझको पाती गोरी तेरे नैनो में मैं बस जाती। पता है दोस्तों मेरा अपना चैनल तो खुद का है ही, उस पर मैं तो काम करती हूँ, अपने चैनल पे भी काम करवाते हैं। जबरदस्ती चूजा पे बैठ जाती है बाहर का काम करने का डर से, जैसे कि मुझे खेत से उखाड़ना हो तो मैं उखाड़ूंगा और ये तड़का मारने के लिए बैठी हुई है। भूलेंगे नहीं, मैं भी तो मदद कराती हूँ। और ये नाम है मदद का, जानते हैं। और अपने रेसिपी में बाहर से मेरे से सामान जाएगी, अपने चूजा पे बैठेगी, ये फंडा है इसका। देखिए दोस्तों, तो उसमें किसको पता है, किसको पता? नहीं तो सबूत है मेरे पास, तोड़ते हुए सारा सब्जियां है। अच्छा दोस्तों, झूठ बोल रहे हैं। लाता कौन है, तुड़वाता कौन है, साफ कौन करवाता है? साफ तो करवा देते हैं, लेकिन देखिए दोस्तों, इनका जब बनता है तो मैं हेल्प करती हूँ चूल्हे के पास बैठ के। एक आपको एकदम तगड़ा प्रूफ देता हूँ, एक अभी रेसिपी जाएगी मकर संक्रांति के आसपास, वो रेसिपी आप लोग देखिएगा, उसमें आधा किलो तीज में दो आदमी लड्डू बना रहे हैं, बताइए कितना बड़ा काम है। ये सबसे बड़ा प्रूफ है। अगर 250 ग्राम भी सामान हो ना तो हम मिल का बनाते हैं, अगर मैं 5 किलो का बनाऊंगा तो भी नहीं बनाएगी मिल के। हाँ तो आज के बाद छोड़ ही देते हैं अपना जॉब, तो दोस्तों से शिकायत कर रहे हैं मेरा। इधर देखिए चटनी तैयार हो गया है, अब इसको उतार देते हैं और ठंडा करके सर्व करते हैं। मेरा दिल फट गया है। उतारना दो वैसे तो काम कौन कर दोगे, तार दिल फाटी जाए ना फाटी से काम होते जाएगा। दोस्तों आप लोग जाके मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। प्रमोशन करवाने के लिए बैठी रहती है, घबरा क्यों रहे हैं, बहुत जल्दी दोस्त हमारे साथ देने वाले हैं। दोस्तों इतना इंसल्टी कर दिए कि बर्दाश्त से बाहर है। डॉक्टर बोला है हमको कि मतलब नहीं सॉरी, डॉक्टर साहब बोले हैं कि आपको ना ज्यादा काम नहीं करना है, तो हम ज्यादा काम नहीं करते हैं। इसको सर्व कर दो, दो पराठा बना दो, फिर फटाफट खा ही देते हैं, काम हो जाएगा। ज्यादा काम हो, दो पराठा बनाना है बस। तो दोस्तों देखिए, दो पराठा बनाने को बोल रहे हैं तो हम इतना फरहर कि आटा गूंद के पहले से ही रखे हैं। देख रहे हैं चटनी कितना जबरदस्त दिख रहा है। तो डॉक्टर बोले हैं कि ज्यादा काम नहीं कीजिएगा अनीता जी, अपना सेहत का भी ध्यान रखिए, क्या करिएगा इतना मेहनत करके। धनिया के पत्ती भी डाल देती हूँ दोस्तों। मूली की चटनी तो बन के तैयार हुई है दोस्तों, लेकिन एक तरीका और भी है, जैसे कि इसको आप दरदरा नहीं रखना चाहते हैं तो थोड़ा स्मूथ भी पीस सकते हैं, लेकिन इस तरह से दरदरा चटनी बढ़िया लगता है, इस वजह से मैं इस तरह बनाया हूँ, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये चटनी किसके लिए बनाया हूँ उसे चटनी देता हूँ, इन्हीं के लिए दरदरा चटनी बनी हुई है। दोस्तों दरदरा ना चटनी हो गया या मसाला हो गया, बड़ा मजा आता है। तो दोस्तों देखिए, आपको हकीकत नहीं बताया ना, अभी दो कढ़ाई है चटनी बनाने में लगाए हैं, देखिए एक ये रहा एक वो रहा, इतना सारा बर्तन गंदा किए हैं, धोएगा कौन? मैं। ब्लॉग वाले चैनल पे पता चलेगा ये तो कौन धोता है। और जैसे कि अब लंच का टाइम खत्म हो गया है हम लोग का, तो हम लोग जो भी अभी जैसे कि लेट में सब्जी या चटनी या कुछ भी मिठाई कुछ भी बनाते हैं, तो हम लोग जो अनीता जी की दुनिया ब्लॉग चैनल उस पर सब खाते हैं वो लंच में। अगर ये सब खाते हुए आप देखना चाहते हैं तो अनीता जी की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वहाँ पे सारा कुछ बनेगा, वही हम लोग लंच के टाइम में खाते हैं, क्योंकि खाते हैं एक टाइम। और हम लोग का जो डाइट प्लान है जल्दी बताने वाले हैं कि हम लोग पतले कैसे हो गए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, बढ़िया लगा होगा तो इस तरह से दरदरी चटनी जरूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अनीता जी का किचन और दादाजी का ढाबा। तो हम फिर मिलते हैं नई पुरानी और आसान रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी। आज तो लग रहा है कि डर है बीबी से, तभी मेरे चैनल को प्रमोशन किए हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो दोस्तों क्या बोलने वाली थी, बीबी से कौन नहीं डरता है। हाँ। तो बताइए, लेकिन नहीं कुछ बोलने वाली थी। हाँ दोस्तों देखिए, आप लोग हमारा साथ लाला जी के साथ बहुत दिए हैं, आने वाला जो पिछला साल जो हमारा बीत गया, जो पिछला साल बीत गया उसमें आप लोग बहुत साथ दिए हैं, तो दिल से धन्यवाद। और ये भी साल हमारा उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। हाँ, और आप लोगों के लिए भी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जितने भी हमारे दोस्त हैं ये नए साल में सब कुछ हासिल करें, जो उनका गोल है जो वो चाहते हैं
अचीव करना वो मिले। मैं भगवान से शंकर जी से बोलूंगी कि जितने भी हमारे दोस्त हैं उनका सारी ख्वाहिशें पूरी करिए। तो नए साल का ढेर सारा शुभकामनाएं दोस्तों। अभी तो नया साल 2-3 महीना चलेगा।